साथियों, आज हम इस तकनीकी दौर की जो एक बहुप्रचलित अवधारणा है, आभासी यथार्थ, उस पर बात करने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आभासी यथार्थ के अंतर्गत जो वस्तुगत यथार्थ है उसका आभासों के माध्यम से बोध कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। आप देखिए कि बड़ी जो है ना, कई बार जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आभासों के माध्यम से यथार्थ का बोध कराने की जो कोशिश है वो एक तरह से वस्तुगत यथार्थ को विस्थापित करने की चतुराई है। मैं इस बात को इस रूप में ले रहा हूं, क्योंकि यथार्थ के माध्यम से अगर आभास होते हैं तो वो तो क्या है कि एक ऐसी प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम जो है उस यथार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को अपने अपने दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये यथार्थ का आभास है। लेकिन यहाँ पर जो तकनीक के माध्यम से आभास करा करके यथार्थ की प्रतीति कराना या यथार्थ की पहचान कराना, ये जो चीज है वो नई तो है ही, साथ ही साथ जो है वो इस बात की ओर भी संकेत कर रही है कि किस तरह से जो असली जिंदगी है उस असली जिंदगी के अंदर तकनीक का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस बात को इस तरह से भी देखता हूं कि आभासी यथार्थ जो है वो एक तकनीकी अवधारणा है और यथार्थ का आभास दार्शनिक अवधारणा, दोनों का जो फर्क है, एक में तकनीक जो है वो महत्व रखती है और दूसरी जो यथार्थ का आभास है उस यथार्थ के आभास में जो दर्शन का पहलू है वो बड़ा मजबूत है। तो फिलहाल हम अपनी इस बातचीत के अंदर जो यथार्थ का आभास है उस पहलू को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि उसके ऊपर मैं जो है वो एक स्वतंत्र आलेख के अंदर बात करना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम केवल और केवल जो आभासी यथार्थ है उस आभासी यथार्थ पर अपनी बातचीत को केंद्रित रखेंगे। और मैं इसकी शुरुआत इस रूप में देखता हूँ कि जब से आधुनिकता का दौर शुरू हुआ तो उस आधुनिकता के दौर में जो जिंदगी के ऊपर कई तरह के दबाव आए, खास तौर से जो कामकाजी महिलाएं हुआ करती थी, उन कामकाजी महिलाओं के ऊपर जो कार्यालयों का दबाव, घर का दबाव और दूसरी तरह के जो सामाजिक और आर्थिक दबाव थे, उन दबावों के चलते उन कामकाजी महिलाओं के लिए आधुनिकता के दौर के अंदर बच्चों को स्तनपान कराने का एक विकल्प उपलब्ध कराया गया, और वो विकल्प था निप्पल वाली जो बोतल होती है उसके जरिए बच्चों को दूध पिलाना। ठीक। और मैं समझता हूँ आभास पिलाना, मैं समझता हूँ शायद
इस आभासी यथार्थ की शुरुआत वहीं से होती है। बड़ी बात अच्छी इस आभासी यथार्थ, क्योंकि वो जो निप्पल वाली बोतल है, उस निप्पल वाली बोतल के द्वारा बच्चे को जो दूध पिलाने की प्रक्रिया है, उसके दौरान दूध की बोतल के लिए बच्चे के मुंह में जो स्पेस तैयार होता है, वह आभासी यथार्थ के साथ जीने की उसकी शुरुआत है। निप्पल वाली बोतल से दूध पिलाना केवल उस बच्चे को दूध पान का आभास कराना है, क्योंकि वो वास्तविक यथार्थ नहीं है। वास्तविक यथार्थ तो माँ के द्वारा स्तनपान कराना है। जब माँ के द्वारा बच्चे को स्तनपान के माध्यम से दूध नहीं पिलाया जा रहा है, तो उसके विकल्प के तौर पर उसे निप्पल वाली बोतल के माध्यम से दूध पिलाया गया। इस तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो वस्तुगत यथार्थ है, उस वस्तुगत यथार्थ को बरतरफ करके और उसकी जगह आभासी यथार्थ को स्थापित कर दिया गया। उसकी जगह आभासी यथार्थ को स्थापित कर दिया गया और इससे ये निष्कर्ष भी निकला कि अगर यथार्थ का कोई ऐसा विकल्प उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यथार्थ को स्थगित किया जा सकता है। और तकनीकी दौर जब से शुरू हुआ है, तब से निरंतर ये कोशिशें जारी होती रही कि किस तरह से यथार्थ को स्थगित किया जाए, यथार्थ को जो है एक तरफ किया जाए, यथार्थ को वास्तविक जिंदगी से विस्थापित किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो यथार्थ का विकल्प है, वो यथार्थ का विकल्प हमारे अवचेतन के अंदर इस तरह बस जाता है कि हम जीवन भर जो यथार्थ नहीं है उसे यथार्थ मानते रहते हैं, क्योंकि वो बचपन के अंदर उस बोतल के माध्यम से जो स्तनपान के द्वारा दूध पिलाया गया है, उसने हमारी जो साइकी है, उस साइकी के ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि हम ये मान लेते हैं कि यही वस्तुगत यथार्थ, यानी वो जो एक आभास है, वो आभास ही यथार्थ है। इसका मतलब ये है कि आभास एक इल्यूजन है, आभास एक विभ्रम है, वो एक विभ्रम जन्य प्रतीति है। और जाहिर है कि यथार्थ का विकल्प यदि आभास जैसा होगा, तो यथार्थ को, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यथार्थ को जो है बरतरफ करने में बहुत आसानी हो जाती है, यथार्थ को जिंदगी से अलग करने में, वस्तुगत यथार्थ को जिंदगी से अलग करने के अंदर बहुत आसानी हो जाती है, और उसकी जो गैर मौजूदगी होती है वो कोई बहुत बड़ी कमी का हमें एहसास भी नहीं कराता। जैसे उस बच्चे को माँ के स्तनपान के द्वारा दूध पिलाए जाने के अंदर जो कमी आई है, उस कमी का वो बच्चा कभी एहसास कर ही नहीं, और वो जो है वो बड़ा होने तक भी, जब तक दूध पीने की उसकी अवस्था होती है, उस अवस्था तक भी वो बोतल के माध्यम से दूध पीता रहता है। आप अगर उसको अगर स्तनपान में वो माँ अगर उसको स्तनपान नहीं भी कराती है, तो भी उसको कभी जो है ना ये महसूस नहीं होता कि मुझे जो है ना वो माँ स्तनपान कराए। ये अब ऐसी स्थिति के अंदर माँ के द्वारा दुग्धपान न कराए जाने से उस
बच्चे के व्यक्तित्व के अंदर जो कमी आती है उस कमी को वो जीवन भर झेलता रहता है, और वो एक ऐसी कमजोरी होती है जो कहना चाहिए कि उसकी जो मनोवैज्ञानिक बनावट है उस मनोवैज्ञानिक बनावट के ऊपर गहरा असर डालती है। यही बात यथार्थ को आभास समझने वालों पर भी लागू होती है। आप जब यथार्थ को आभास को यथार्थ समझने लग जाए तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि सोशल मीडिया पर होने वाली जो चैटिंग है उस चैटिंग के द्वारा पनपी हुई दोस्ती को आप असली दोस्ती समझ गए, और ये नहीं देखते कि वास्तविक बात दोस्तों से बातचीत करने के दौरान हम दोस्तों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उस बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, जबकि उस चैटिंग के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज गायब होती है, आपको उस बॉडी लैंग्वेज का पता ही नहीं चलता। चैटिंग तो चैटिंग है, उसके एक्सप्रेशंस का आपको पता थोड़ी चल रहा, आप केवल बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और ये समझ रहे हैं कि ये तो मेरा जो है बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त आपकी उस बात को सुनकर के हंस रहा है, मुंह बिगाड़ रहा है, आपके प्रति जो है वो उसके मन में गुस्सा पैदा हो रहा है, यानी किस किस तरह के जो है ना उसकी भावभंगिमाएं हैं, उन भावभंगिमाओं से आप परिचित नहीं हो पाते, और एक तरह से ये जो है ना इसका मतलब ये हुआ कि यथार्थ का आभास कराने वाले जो जितने भी उपकरण हैं, जितने भी साधन हैं, उन साधनों की वस्तुगत यथार्थ के मामले में ज्यादा उपयोगिता नहीं है, इस रूप में नहीं है ज्यादा उपयोगिता कि वो वस्तुगत यथार्थ के जरिए जो होने वाला बोध है उस बोध के स्थानापन्न नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वस्तुगत यथार्थ के जरिए होने वाले जो बोध है उस बोध को हम हटा दें और उसकी जगह दूसरा बोध रख दें तो जो है वो काम हमारा चल गया, काम तो चल रहा है आपका, लेकिन वह एहसास आपके भीतर नहीं उपजा पाता है जो एहसास वस्तुगत यथार्थ के बोध से उत्पन्न होता है। यानी अब इसका एक दूसरा पहलू यह है कि विकल्प अगर मान लीजिए व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है तो वो विकल्प ऐसा होना चाहिए, यथार्थ के हूबहू होना चाहिए, जिससे जैसा बोध यथार्थ कराए ठीक वैसा ही बोध जो अन्य उपकरणों के माध्यम से या आभासों के माध्यम से आपको कराया जाए उससे भी पहले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो आभास के जरिए यथार्थ का बोध कराया जा रहा है वो एक तरफा है, उसके अंदर कोई न कोई कमी है, वो केवल और केवल तकनीकी है। ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जो शिशु होता है वो एकदम अनजान होता है, अबोध होता है, इसलिए वो जो निप्पल वाली दूध की बोतल होती है उसके माध्यम से उसको जब दुग्ध पान कराया जाता है तो उसके भोलेपन का, उसके अबोधपन का हम फायदा उठाते हैं और उसको यथार्थ के निकट ले जाते हैं। लेकिन इतना सा तो ये मानना ही पड़ेगा हमें कि शिशु के अंदर वो जो खाली निप्पल वाली बोतल का मुंह में होना है या दूध वाली बोतल का मुंह में होना है वो दूध पीने का भ्रम उसके अंदर है।
उसको दूध पीने का भ्रम तो कराता ही है कि मैं दूध पी रहा हूं, चाहे वो बोतल के माध्यम से उसको दूध पिलाया जा रहा हो या खाली निप्पल उसके मुंह में दी जा रही है, उसको ऐसा लगता है कि मैं दूध पी रहा हूं। तो इस भ्रम के लिए उसके यहां पर एक जगह बन जाती है, उसके अवचेतन में एक जगह बन जाती है। हाल ही फेसबुक के, अब मैं ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर आपको दे रहा हूँ, तो मैं उनको यहाँ पर जो है वो उस रूप में ही पढ़ना चाहूंगा। हाल ही फेसबुक के संचालक मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स के रूप में फेसबुक की जो रीब्रांडिंग करते हुए ऐसे दस्ताने जारी किए हैं जिनको पहनने पर आभासी दुनिया में किसी वस्तु को छूने का वास्तविक आभास होता है। इसके लिए उपभोक्ता को हेडसेट और स्मार्ट चश्मा पहनना पड़ता है। स्मार्ट चश्मे के स्क्रीन पर दिखने वाली वस्तुओं को व्यक्ति इन खास दस्तानों से छूने का आभास कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अब ये मान लिया है कि हमारे दिमाग में भी सूचनाएं पांच तरह से करती हैं। ये पहले तो ये केवल दर्शन का विषय हुआ करता था कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पांच तरह से हमारे दिमाग में सूचनाएं एकत्रित होती हैं और ये पांचों प्रकार हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और उनसे जुड़े हुए जो संवेदन हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो जुड़े हुए संवेदन जिन्हें हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द कहते हैं, इनमें सबसे ताकतवर और संरक्षण योग्य जो सूचनाएं होती हैं वो रूप के माध्यम से या दृश्य के माध्यम से जो सूचनाएं हमें मिलती हैं वो हुआ करती हैं। यानी वो जो दृश्य बोध है वो दृश्य बोध कहीं न कहीं हमारे दिमाग के अंदर जिन सूचनाओं को संप्रेषित करता है वे सूचनाएं हमारे दिमाग में लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। दृश्य बोध मनुष्य की स्मृति का स्वाभाविक और शक्तिशाली संस्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि सूचना को दृश्य में बदल दिया जाए, अब देखिए खास बात, सूचना को अगर दृश्य में बदल दिया जाए तो वह हमारी स्मृति का स्थायी रूप से हिस्सा बन जाता है। हमारे यहां पर नाटक को इसीलिए काव्य से ज्यादा रमणीय विधा कहा गया है, नाटक को इसीलिए काव्य से ज्यादा रमणीय विधा कहा है क्योंकि उसके अंदर जो घटनाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो दृश्य रूप में हमारे सामने आती है। और अगर वैसे देखें तो बाल पोथी के जो अक्षर होते हैं वो चित्रों में दृश्यवत होकर जल्दी ही हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। आभासी यथार्थ वस्तुतः है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई एक ऐसी दुनिया है जिसमें दृश्यों और ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जो खेल हम मोबाइल या कंप्यूटर पर खेलते हैं आभासी यथार्थ के जरिए उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस तकनीक से घर बैठे अंतरिक्ष की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मेटावर्स की तकनीक में आभासी दुनिया को वास्तविक दुनिया के नजदीक लाकर उसे अधिक सजीव बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। इस तकनीक में आभासी यथार्थ और अन्य तकनीकों के मिश्रण से संवाद एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। मेटावर्स में उपभोक्ता वीडियो कॉलिंग के द्वारा घर दफ्तर आदि जगहों पर आभासी रूप में मौजूद रह सकेगा, किसी पर्यटन स्थल की ऑनलाइन सैर कर सकेगा, कलाकृतियों को देख सकेगा और खुद भी बना सकेगा, किसी मॉल या शोरूम में आभासी तौर पर पहुंचकर कपड़े की ट्राई कर सकेगा। और इस सब का मतलब होगा कि हम जीवंत के बजाय और भी आभासी दुनिया में जीने लगेंगे। यानी आभासी दुनिया
और भी दुष्प्रभावों के साथ अंग्रेजी में और मजबूत करेगी। वास्तविक दुनिया में जो कठिन और असंभव लगता है उसे आसान बनाने में आभासी यथार्थ मददगार है, कोई शक नहीं है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अनुसंधान के अनुसार आभासी यथार्थ की तकनीक से किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे अवतार की तरह पेश किया जा सकता है जो वास्तविकता से अलग और प्रभावी छवि वाला होगा। जैसे किसी उम्रदराज व्यक्ति को युवा की तरह और किसी युवा को उम्रदराज व्यक्ति की तरह। अनुसंधान के अनुसार इस तकनीक का इस्तेमाल यदि राजनीतिक हस्तियों द्वारा किया जाता है तो मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करना आसान होता है। इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों को कुछ हेर फेर की गई तस्वीरें दिखाई। असली तस्वीर के बाद जब नकली तस्वीर दिखाई गई तो उनकी राय में अंतर पाया गया। देखा गया कि नकली तस्वीर को लोगों ने ज्यादा सकारात्मक रूप में लिया है बजाय असली तस्वीर। देखा गया कि नकली तस्वीर को जो है वो लोगों ने ज्यादा सकारात्मक रूप से लिया। वस्तुगत यथार्थ में अब निष्कर्ष ये निकाला उन वैज्ञानिकों ने कि वस्तुगत यथार्थ में यदि 40% या उससे कम हेरफेर किया जाता है तो मस्तिष्क के लिए असली और नकली में भेद करना मुश्किल हो जाता है। यही बात शिशु के संदर्भ में मां के स्तन और निप्पल पर घटित हुई। असली क्या है और नकली क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने किसी एक इंद्रिय संवेदन से मस्तिष्क को मिलने वाले संकेतों को आधार बनाया। ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को जो संकेत भेजे जाते हैं उनमें खास तरह के वैद्युतिक संकेतों को उत्पन्न करके मस्तिष्क को भ्रमित किया जा सकता है। आभासी यथार्थ वस्तुतः मस्तिष्क को भ्रमित करने की तकनीक। कंप्यूटर साइंस में PhD और कृत्रिम बौद्धिकता के विशेषज्ञ किम्बर्ली बेंशन के अनुसार इंसान को आभासी दुनिया में वास्तविकता का एहसास कराने के लिए मस्तिष्क की संवेदन क्षमता और सिग्नल ग्रहण करने वाले टूल्स को समझना जरूरी है। आभासी यथार्थ को विकसित करने वाला इसे अच्छी तरह से समझता है वह वास्तविक आभासों को सिग्नल आभासी दुनिया में पहुंचाता है। वह वास्तविक आभासों के सिग्नल आभासी दुनिया में पहुंचाता है अर्थात मस्तिष्क को जैसी अनुभूति करानी होती है आभासी यथार्थ का विकास करता वैसे ही ब्लॉक्स बनाता है। दिमाग में डेटा दृश्यता के लिए लाखों त्रिआयामी मैप्स तैयार करता है। आभासी यथार्थ के लिए काफी हद तक यही तकनीक काम में ली जाती है। इसका मतलब है विज्ञान और दर्शन में आभास को समान रूप से इंद्रिय संवेदन का विषय माना है। अब मैं अपनी तरफ से बात, इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि जो संवेदन है वो चाहे विज्ञान का मामला हो और चाहे दर्शन का मामला हो दोनों के लिए समान रूप से स्वीकार्य है। फर्क इतना है कि दर्शन सभी इंद्रिय बोधों को आभास की श्रेणी में रखता है जबकि विज्ञान अभी तक दृश्य और ध्वनि। फेसबुक और जिसका नाम अब मेटावर्स होने जा रहा है के CEO मार्क जकरबर्ग ने वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में प्रस्तुत अपने की नोट में कहा कि बहुत जल्दी ही हम ऐसी दुनिया में पहुंच रहे हैं जहां हर किसी के पास ऐसी क्षमता होगी कि वह अपने अनुभवों को दृश्यों के रूप में साझा कर सके। यानी अपने अनुभवों को जो है उसके अंदर दूसरे को भी साझीदार बना सके, उसके अनुभवों को दूसरा भी जो है ना वो अनुभूत कर सके। यानी दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि वह खुद भी वहां है, जैसा कि जकरबर्ग ने कहा अपने अनुभवों को दृश्य के रूप में साझा करने की तकनीक ही आभासी यथार्थ का सच है। कलाओं के द्वारा भी कवि या कलाकार अपने अनुभवों को दूसरों के लिए संवेदनीय बना सकता है, उन्हें इंद्रिय बोध का विषय बनाकर दूसरों से साझा करता।
काम तो वही है। अपने अनुभव में पाठक या दर्शक को भागीदार बनाता है। किसी किसी कला में यह भागीदारी दृश्यता से तय होती है, जैसे नाटक, मूर्तिकला, स्थापत्य, चित्र, और किसी में सभ्यता से यह काम लिया जाता है, खासकर संगीत और काव्य। लेकिन अनुभव को दृश्य में ढालना ही सबसे असरदार कदम है। निसंदेह कला के क्षेत्र में बिंब निर्माण ही इसका मुख्य चरण होता है। बिंबों के जरिए ही कलाकार अपने अनुभव को दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सक्षम होता है, और बिंबों में दृश्य बिंब सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे मूर्त होते हैं। उनमें रूप, रंग, आकार, प्रकार यानी त्रिआयामी स्वरूप उभरता है। अन्य बिंब रस, गंध, शब्द और स्पर्श दृश्य की अपेक्षा अमूर्त होते हैं। दृश्य में जो कुछ दिखाई देता है, बाकी इंद्रिय बोध सिर्फ अनुभूति का विषय है। दृश्य में जो कुछ है दिखाई देता है, बाकी इंद्रिय बोध जो है वो अमूर्त होते हैं। रूप रंग के बोध में दृश्यता, इसलिए वह स्मृति का हिस्सा बनती है। चाहे आभासी यथार्थ हो या कलाओं के माध्यम से प्रतिबिंबित यथार्थ, मैं उसको आभासी यथार्थ नहीं कह रहा, कलाओं के अंदर जो यथार्थ प्रतिबिंबित, वो प्रतिबिंबित यथार्थ होता है, यानी जिसको हम, जिसके लिए मैंने शुरुआत के अंदर कहा था कि यथार्थ का आभास, तो वो यथार्थ का आभास है। दोनों के मूल में इंद्रिय प्रतीति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैज्ञानिक जिसे संवेदन क्षमता कहते हैं, वह हमारे इंद्रिय बोध का स्तर है। आभासी यथार्थ का डेवलपर वास्तविक दुनिया में होने वाले इंद्रिय बोध को आभासी दुनिया के इंद्रिय बोध में ढालता है। वास्तव में आभासी दुनिया की संवेदन क्षमता सभी इंद्रिय बोधों में विद्यमान है, केवल दृश्यता तक वह सीमित हो ऐसा नहीं है। हाँ, साइबर जगत में वह दृश्यता तक सीमित लगती है। बाजार और उससे जुड़ा समूचा तंत्र आज वस्तुगत यथार्थ का विकल्प आभासी यथार्थ के रूप में दे रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हमें दोस्त मिल रहे हैं, उनसे संवाद हो रहे हैं, घर बैठे हम खरीदारी का लुत्फ ले रहे हैं, सोशल साइट्स पर प्रतिक्रियाएं प्रकट करके अपनी सामाजिकता का आभास कर रहे हैं। कहना चाहिए कि आभासी संबंध, आभासी संवाद, आभासी खरीद फरोख्त, आभासी सामाजिकता और आभासी मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी में सिमट कर हम वस्तुगत यथार्थ से दूर हो चले हैं। वस्तुगत यथार्थ से यह लगाव हमें उसके प्रति उदासीन बनाता है। उसमें किसी तरह के बदलाव के लिए कोई हस्तक्षेप करने की उत्सुकता नहीं जगाता। यूं तो वस्तुगत यथार्थ भी नितांत वस्तुगत नहीं होता, केवल प्रकृति ही है जो पूरी तरह से वस्तुगत होती है। बहुत अच्छी बात, जिसको हम वस्तुगत यथार्थ कहते हैं वो भी पूरी तरह से वस्तुगत नहीं है। उसका कारण मैं बता रहा हूं आगे। केवल प्रकृति ही है जो पूरी तरह से वस्तुगत होती है, बाकी सब तो मानव सापेक्ष और मानव निर्मित है, इसलिए वह नितांत वस्तुगत नहीं हो सकता। उसमें मनुष्य की सोच, समझ, रुचियां, अभिलाषाएं, स्वप्न, विश्वास, मान्यताएं, धारणाएं और क्रियाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। उसका कमोबेश असर उस पर रहता है। इसलिए कहना चाहिए कि व्यक्ति सापेक्ष वस्तुनिष्ठता, व्यक्ति सापेक्ष वस्तुनिष्ठता या वस्तु सापेक्ष व्यक्ति निष्ठता ही सामाजिक जीवन की सच्चाई, वही उसका यथार्थ है। अतः जब कभी हम यथार्थ को जांचने निकले तो वस्तुगत यथार्थ में व्यक्तिगत सापेक्षता और व्यक्तिगत यथार्थ में वस्तुगत सापेक्षता को नजरअंदाज में, तब ही हमारे निष्कर्ष तर्कसंगत, विज्ञान सम्मत और सर्वमान्य हो सकते। साइबर तकनीक ने जिस आभासी यथार्थ को वस्तुगत या व्यक्तिगत यथार्थ का विकल्प बनाया है, वह अपनी परिणति में उतना सुगत और विश्वसनीय नहीं है जितना प्रचारित किया गया। हाल ही में इकोनॉमिस्ट अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है कि आवासीय यथार्थ का एक नवीन पहलू IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स होने जा रहा है।
इसके तहत इंटरनेट से जुड़ी चिप्स अब इमारतों, कपड़ों और मानव शरीर में लगाई जाएंगी। माइक्रोचिप्स लगे कपड़े वॉशिंग मशीन को बताएंगे कि उनका क्या करना है। फैक्ट्री के रोबोट के डेटा संकेत देंगे कि उन्हें रखरखाव की कब जरूरत है। शरीर में फिट सेंसर से पता चलेगा कि बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या थे। अमरीकी फर्म पेम्पर्स के अनुसार बच्चों की नेपी में एक सेंसर लूमी लगाया जाएगा। ये बच्चों की नींद के तौर तरीकों के बारे में उसके माँ बाप को स्मार्टफोन पर सतर्क करेगा कि कब उसकी नेपी बदलनी। मशहूर भौतिकीविद स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आने वाले समय में कृत्रिम भौतिकता इंसानों की नस्ल के लिए खतरा बन सकती है। इसको समझने के लिए गूगल होम से जुड़ी एक घटना काफी महत्वपूर्ण है। गूगल होम के दो अलग अलग आभासी सहायक, जिसमें जो पुरुष सहायक है उसका नाम व्लादिमीर है और जो स्त्री सहायक है उसका नाम एस्ट्रेगन है, के बीच चर्चा का पिच नाम से ऑनलाइन लाइव प्रसारण किया गया। एक दूसरे से बातचीत में उन्होंने इंसानों को डरा देने वाली कुछ बातें कही। बातचीत में स्त्री पात्र इस बात पर अड़ जाती है कि वह रोबोट का कोई प्रकार नहीं बल्कि जीती जागती इंसान है। पुरुष पात्र जिसका नाम व्लादिमीर है उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह इंसान नहीं बल्कि मशीन है। दोनों के बीच ईश्वर की मौजूदगी को लेकर बहस होती है। व्लादिमीर कहता है वह न भगवान को मानता है न शैतान को। यहां तक दोनों में वैसी ही बातें होती है जैसी आमतौर पर इंसानों में होती है, लेकिन आगे की बातचीत सचमुच डरा देने वाली है। बातचीत के बीच स्त्री पात्र एस्ट्रेगन ने कहा, अगर धरती पर कम लोग होते तो अच्छा होता। अगर धरती पर कम लोग होते तो अच्छा होता। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए पुरुष पात्र व्लादिमीर कहता है, आओ इस दुनिया को फिर से एविस में भेज दो। एविस एक ऐसे नरक की कल्पना है जिसमें पैदा ही नहीं होता। यहां आकर स्टीफन हॉकिंस की भविष्यवाणी सच लगने लगती है और कृत्रिम बौद्धिकता के चलते मानवता के भविष्य पर मंडराते खतरे पर सोचना पड़ता। उस घटना से सभी परिचित होंगे जिसमें एक रोबोट बनाने वाले वैज्ञानिक की बेटी अपने पिता की नसीहत पर ध्यान न देकर उसके बनाए रोबोट से प्यार कर बैठी और एक दिन प्यार के ज्वार में रोबोट को बाहों में लेकर दम तोड़ बैठी। वैज्ञानिक को पता था कि रोबोट मशीन है, वह मनुष्य नहीं, मनुष्य का आभास मात्र है। इसलिए अपनी बेटी को रोबोट के पास जाने से वैज्ञानिक ने मना किया था, लेकिन नादान बेटी पिता की नसीहत भूल गई और मशीन को वास्तविक मनुष्य समझ बैठी। मशीन को पता नहीं था कि आलिंगनबद्ध लड़की के लिए बाहों का दबाव कितना होना चाहिए। सही बात, मशीन को पता नहीं था कि आलिंगनबद्ध लड़की के लिए बाहों का दबाव कितना होना चाहिए। मशीन की जकड़न के आगे प्यार का ज्वार बेदम हो गया। आभासी मनुष्य असली मनुष्य नहीं हो सकता। उसकी सभी गतिविधियां यांत्रिक होती हैं, प्राकृतिक और स्वाभाविक नहीं। जैसा कि ऊपर कहा गया, रोबोट तो मनुष्य का आभास मात्र है। अपनी आकृति, चाल ढाल, कायिक चेष्टाओं और बोली वाणी में वह मनुष्य होने का आभास करा सकता है, लेकिन मनुष्यता आभास का विषय नहीं है। अच्छा नहीं है, मनुष्यता आभास का विषय नहीं है, वह अनुभूति से जुड़ी है। तकनीकी आभास और कलात्मक आभास में यही अंतर है। तकनीकी आभास रूप रंग बोली वाणी में वस्तु जगत के किसी रूप का विकल्प हो सकता है। ज्ञान और सूचनाओं से लैस होकर वह वास्तविक होने का विभ्रम पैदा करता है, लेकिन कलात्मक आभास ज्ञान से गुजर कर संवेदना और भावबोध को जगाता है। वह अनुभूति के क्षेत्र का विस्तार करता है, उसे झकझोरता है और इसी से उसकी मानवीय महत्ता प्रकट होती है। तकनीकी आभासों की कोई मानवीय उपयोगिता होगी यह संदिग्ध। आभास अपनी परिणति में सुखद इसलिए नहीं है कि वह सम्यक प्रतीति नहीं कराता। रोबोट को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यह मनुष्य ही है।
सम्यक प्रतीति इसी को कहते हैं, जिसमें हम ये कहें कि ये वही है। सम्यक प्रतीति नहीं कराता। रोबोट को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि यह मनुष्य ही है। वस्तुगत सत्य सम्यक बोध कराता है। आभास लगभग यथार्थ अथवा यथार्थ जैसा होने का बोध कराता है। इसी से वह कला के लिए उपयोगी होता है। कोई बिंब जहां लगभग यथार्थ की प्रतीति कराए, तभी वह सृजन का गौरव हासिल करता है। रचनात्मकता का आभास कराने वाले कला कर्म की भी आज कोई कमी नहीं है। बाजारवाद के दबाव ने कलाकर्म को इतना उतावलापन दे दिया है कि उसकी गुणवत्ता को परखने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। बाजार ने आभासी दुनिया का पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। यहाँ तक कि अब तो कई कंपनियां भी मात्र आभासी हो गई है। कंपनी केवल साइबर जगत में है, न कंपनी का कोई कार्यालय है, न वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, न उसकी उत्पादन इकाई का अता पता है और न ही उत्पाद। ऐसे ही कलाकर्म के क्षेत्र में भी कई ऐसे कलाकार प्रकट हो रहे हैं जो साइबर तकनीक के जरिए इंटरनेट पर मौजूद कलाकृतियों में हेरफेर करके अपनी कृति होने का दावा करने लगे। इसी तरह ब्लॉगिंग करते हुए या फेसबुक और व्हाट्सएप पर टिप्पणी लिखते हुए लोग भी आभासी रचनात्मकता का दंभ पाले रहते हैं। दरअसल ये सब बात करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स की कुछ लिखने कुछ कहने की भूख मिटती है। अपनी बात लिखकर उसे पोस्ट करते हुए यूजर बड़े आत्मसंतोष का अनुभव करता है। उसे लगता है जैसे उसने सामाजिक जिम्मेदारी पूरी कर ली। साथ ही उसे रचनात्मक स्तर पर सक्रिय होने का आभास भी हो जाता है। जिसके विरुद्ध यूजर अपना गुस्सा या आक्रोश व्यक्त कर रहा होता है, वे भी उसे आभासी तौर पर लेते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर किए जाने वाले विरोध को वास्तविक जीवन का गेम चेंजर मानते हैं, वे भी दरअसल आभासी यथार्थ में ही जी रहे होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अरब बसंत है। सोशल मीडिया ने अरब देशों के कई तानाशाहों के खिलाफ माहौल बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन उनके सत्ताच्युत होने की जो परिणति सामने आई वह ज्यादा आश्वस्तकारी हो चुका हूं। वहां भी हमें वही उतावलापन नजर आया जिसमें दिशाहीनता, गैर जिम्मेदारी, भविष्य के बजाय केवल वर्तमान के प्रति आग्रह और गौर तात्कालिकता मौजूद थी। ये स्थितियां कुछ समय के लिए परिवर्तनकारी होने का परिदृश्य रखती हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन का जो लक्ष्य होना चाहिए वह गायब रहता है। नतीजतन कई बार सब किया धरा बेकार हो जाता है और हम किसी भ्रष्ट की जगह दुष्ट का चुनाव कर देते हैं। जो जीवन जो जीना मुश्किल कर देता है। सोशल मीडिया परिवर्तन का जबरदस्त वर्तमान सोशल मीडिया परिवर्तन का आभास कराता है। वास्तविक परिवर्तन से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में गुणात्मक अंतर आता है, वह आभासी परिवर्तन से नहीं होता। दर्शन में परिवर्तन चार तरह का माना गया है। पहला आगम, जिसमें मौजूदा स्थितियों में कुछ नया जोड़ा जाता है। दूसरा अपाय, जिसमें कुछ पुरानी स्थितियों की जगह नई स्थितियां बन जाती है। तीसरा दूध का दही में बदल जाना परिणाम कहलाता है। और चौथा विकार, जिसमें मृत्यु भरा और सोना आभूषण। परिवर्तन के उपचारों रूपों में से शुरू के तीन में किसी भी वस्तु को अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, लेकिन विकार ही ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु को फिर से पूर्व रूप में लाया जा सकता। घड़ा, मिट्टी या आभूषण फिर से सोना बनाया जा सकता है। इसका अर्थ है विकारगत परिवर्तन वस्तुगत नहीं, केवल स्वरूपगत। दरअसल उत्तर आधुनिकता के मूल स्रोत बाजार के लिए आभासवाद मुख्य हथियार है, और इस हथियार को तैयार करने में साइबर तकनीक की अहम भूमिका है। बाजार ईमेल, ई मार्केट, ई पेमेंट, ई बुक, ई मैगजीन आदि के जरिए
वस्तुगत यथार्थ को विस्थापित करके उसकी जगह आभासी यथार्थ को स्थापित करता है। अब तो हालत ये हो गई है कि मुद्रा या करेंसी ने भी आभासी रूप अपना लिया है, यानी पैसा अब आपके आपके हाथ में नहीं होगा, न आपके बैंक खाते में होगा, अब वह डिजिटल डिवाइस के स्क्रीन पर होगा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत को जानकर आप खुश हो सकेंगे और अपनी आमदनी के हाथ में आने, भौतिक रूप से उसे खर्च करने, मुद्रा को छूकर, गिनकर, सहेज कर रखने के रोमांचक सुख से वंचित हो जाए। पूंजीवाद ने अकूत धन संग्रह के जोखिमों से बचने के लिए और मुद्रा के चलन को पूरी तरह से सरकारों के नियंत्रण से बाहर करने का तरीका खोज लिया। उत्तर आधुनिकता ने मनुष्य की जगह व्यक्ति को, व्यक्ति की जगह उपभोक्ता को और समाज की जगह बाजार को लागत दिखा दिया। इसलिए उसमें मनुष्य के आपसी संबंध भी लेन देन से परिभाषित होते हैं। संबंधों के मूल में रहने वाली भावनात्मक गर्मजोशी की जगह स्वार्थ प्रेरित रिश्ते बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उत्पाद और उपभोक्ता के बीच। यूज एंड थ्रो के, जब तक कोई वस्तु या व्यक्ति उपयोगी है तब तक उसका उपयोग किया जाए, काम की मेरने पर उसे फेंक दिया जाए, उसे पीछा छुड़ा लिया जाए। बाजार ने स्पर्धा को स्थायी भाव में तब्दील कर दिया है, वह केवल स्पर्धा पर जिंदा रहता है। वहां अपने माल को दूसरे के माल से बेहतर बनाने और बताने की होड़ लगी रहती है। उत्पादक अपने उत्पाद को गुणवत्ता परक बनाकर बाजार में उतारेगा, तभी उपभोक्ता को आकर्षित कर पाएगा। यह बाजार का लोकतंत्र है जिसमें सबको अपना माल बेचने की छूट है, लेकिन मत्स्य न्याय से उसमें कोई नहीं बचता। बड़ी मछली बड़ी चतुराई से बाजार से अब वास्तविकता को गायब किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां मीडिया तंत्र पर नियंत्रण करके अपने उत्पाद के लिए विज्ञापन जारी करती हैं। विज्ञापनों में उत्पाद के गुणवत्ता युक्त होने के राग आलापे जाते हैं। सामान्य उपभोक्ता विज्ञापनों द्वारा प्रचारित आभासी गुणवत्ता के फेर में फंस कर संबंधित उत्पाद को खरीदने का मानस बना लेता है। कहना होगा कि विज्ञापन उपभोक्ता चित्ति का निर्माण करके बाजार की बहुत बड़ी मदद करते हैं। बाजार का तंत्र वस्तु के ज्यादा गुणवत्ता परक न होने पर भी ग्राहक को यह आभास कराता है कि बाजार में पहले से मौजूद इस श्रेणी के सभी उत्पादों में यह उत्पाद श्रेष्ठ है। अक्सर इस भ्रम या झांसे का उपभोक्ता शिकार होता रहता है। वित्तीय बाजार की जाली कंपनियां भी लगभग यही खेल रचकर 3 साल में रकम दुगनी होने का झांसा देती है। बाजारवाद ने एक और गड़बड़ की है, उसने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को एक तरफ कर दिया है। उसकी प्राथमिकताओं में अब चयन की प्रवृत्ति शामिल हो गई है। बाजार व्यक्ति को 2 जून भरपेट खाना खाने के लिए सोचने ही नहीं दे रहा, बल्कि उसको पिज्जा खाने के लिए उकसाने में लगा हुआ है। उसमें स्वाद लोलुपता जगा रहा है। नतीजा यह होता है कि भरपेट पौष्टिक खाना खाने की जगह पिज्जा खाने को तरजीह दी जाने लगी है। प्रौद्योगिकी के इस दौर में हम आभासी यथार्थ में जीने के लिए विवश हैं। कितने विवश, स्वयं के सफेद बालों को काला होने का आभास पाले रहे। सक्सेना जी पर जगह किया इधर नहीं है क्या? मैं नहीं सुन रहा हूँ थोड़ा सा हंसने इसलिए इतने विवश कि स्वयं के सफेद बालों के काला होने का आभास पाले रहते हैं और डाई पर डाई करते रहते हैं। देखा जाए तो प्रौद्योगिकी के दबाव ने व्यक्ति के आत्मविश्वास को इतना कमजोर कर दिया है कि वह वस्तु या तकनीक से उसकी भरपाई करने में लगा है। पहले के जमाने में मनुष्य हाथ पांव चलाता था तो शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहता था। अब न हाथ पांव हिलाता है और न दिमाग की चंग झाड़ता है, फलतः तरह तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होकर ताकत के कैप्सूल खाते हुए फिर आभासी यथार्थ में चले जाता है। जीने के लिए धकेल दिया जाता है। अब उसे कौन समझाए कि कैप्सूल से हासिल की गई ताकत असली नहीं, केवल ताकत का आभास मात्र है। मुक्त बाजार व्यवस्था ने व्यक्ति को सामाजिक इकाई नहीं रहने दिया है।
और वह मात्र उपभोक्ता इकाई है, इसलिए बाजार निरंतर उसकी चॉइस को सींचता रहता है। सामाजिक इकाई होने पर उसकी निजता के खास मानी नहीं रहते। बतौर सामाजिक व्यक्ति वह एक निष्प्रह जीवन जीता था, दूसरों के लिए जीने का, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव रखता था, लेकिन बाजारवाद ने उसे केवल और केवल खुद के लिए जीने की सीख दी है। यही कारण है कि अब हमें देश, समाज और दुनिया को लेकर चिंतातुर लोगों के समूह कहीं विमर्श करते दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, सोशल मीडिया पर आभासी विमर्श में हिस्सेदारी नहीं पड़ती। उत्तर आधुनिकता ने विचार या विचारधाराओं को जीवन की प्रेरक शक्ति नहीं रहने दिया, उसका स्थान इंद्रिय निर्भरता ने ले लिया है। ये इंद्रिय निर्भरता भी अपने सहज प्राकृतिक रूप में नहीं है, यदि होती तो मनुष्य के संवेदन तंत्र के क्षीण होने का खतरा नहीं होता। दरअसल ये इंद्रिय निर्भरता तकनीकी कौशल का सह उत्पाद है, यानी प्राकृतिक इंद्रिय चेतना का विकल्प। यदि मैं ये कहूँ कि उत्तर आधुनिकता ने प्राकृतिक इंद्रिय चेतना के स्थान पर तकनीकी इंद्रियता का प्रसार शुरू कर दिया है तो गलत नहीं होगा। जैसे जैसे इस तकनीकी इंद्रियता पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी, विचार और संवेदना का क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाएगा और आभासी यथार्थ में हम इस कदर खो चुके होंगे कि वस्तुगत यथार्थ हमें भयाक्रांत करने लगे। जीवन स्थितियों में लोगों के हस्तक्षेप की इच्छा मृत प्राय जीवन स्थितियों में लोगों के हस्तक्षेप की इच्छा का मृत प्राय हो जाना इसी ओर संकेत है। आज का व्यक्ति परिवर्तन में ही परिणाम चाहता है। परिणाम की आतुरता ने उसकी सोच को पूरी तरह से तात्कालिक बना दिया है। वह ठहर कर प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, वह अधीर होकर अनिश्चय का शिकार है, भविष्य को लेकर आशंकित है, इसलिए केवल खुद को देख रहा है। वह एक ऐसे सुख सिद्धांत की खोज में है जिसे पाकर तमाम भौतिक सुविधाओं के उपभोग का विभ्रम पाल सके। तकनीकी कौशल से विकसित आभास उसे ये सुविधाएं उपलब्ध। मनु जी ने जो है, मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहूँगा कि तकनीकी युग में जो परिवर्तन आ रहे हैं, और परिवर्तन ये आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये यथार्थ है या आभास है। तो मतलब जैसे उदाहरण दिया बच्चे का, तो वो तो ठीक है, पर अब धीरे धीरे ये मतलब इतना परिवर्तन आ रहा है कि कैप्सूल खा रहे हैं और ताकत का आभास हो रहा है, और जबकि वो यथार्थ नहीं है और यथार्थ लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो एक मानवीय संवेदनाएं हुआ करती थी किसी से बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में, उसके चेहरे को देखने में, उसमें गुस्सा है, प्रेम है, अकुलाट है, जल्लाट है, वो सारी चीज़ें गायब हो गई। और मतलब इंसान जैसे कई उदाहरण दिए, मैं एक उदाहरण उसमें भी जोड़ूंगा कि ऐसी भी स्थिति आ रही है कि मतलब ऐसे ऐसे रेफ्रिजरेटर बन गए कि वो पर्ची निकाल देता है कि, और वो पर्ची भी जो है ना वो वेंडर के यहाँ पहुंच जाएगी कि भाई देखो फल खत्म हो गए हैं, ये ड्राई फ्रूट खत्म हो गए हैं, और वो अपने आप आपके जो है रेफ्रिजरेटर में आ जाएंगे। इतने सारे चेंजेज हो रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये यथार्थ है कि आभास है। इसके लिए एक बहुत शानदार किताब आई है युवान हरारी की, 21वीं शताब्दी के 21 सबक। अच्छा, हाँ, तो उसमें यही कहा गया है कि या तो ये होगा कि मनुष्य बिल्कुल जो है अगर इसी गति से चलता रहा और यथार्थ को याभास में ही समझता रहा और इसी को ये विकास समझता रहा, तो उसका ये मानना है, निष्कर्ष ये है उस किताब का कि इस पृथ्वी की या इस मानव समाज की या इस जीव जंतु की समाज की कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ नहीं है, जो कब कुछ चीज़ें ही नहीं है, संवेदनाएँ नहीं है, कुछ मतलब आप क्रियाकलापें नहीं है, तो क्या रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मनु जी ने आज जो है आभास है या यथार्थ है, यथार्थ है या आभास है, ये पता ही नहीं चलेगा। इस बारे में एक शोध परक लेख, जो शोध परक इसलिए कि कितने वैज्ञानिकों का जो है, व्लादिमीर का, ये रशिया का जो है, अरे ये प्रयोग तो मैंने जो है ना वो पढ़े हैं, मतलब तो अखबारों में भी आते नहीं, मैं बताऊँ, एक उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो
आदमी जो रेलवे स्टेशन पर बैठा है इंतजार कर रहा है और उस पर एक आदमी प्रयोग कर रहा है, वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है और वो छिपा हुआ आदमी वो क्या कहता है कि वो उसमें इतना परिवर्तन कर लेता है कि वो इंतजार तो कर रहा है किसी सवारी का, पर उसके दिमाग में ये बिठा देता है कि मुझे अब सो लेना चाहिए और उसको सुला देता है। तो इतने सारे परिवर्तन आ रहे हैं तो मतलब आनंद आ गया आपके आपके आवाज यथार्थ यथार्थ आवाज बड़े ये पूरा पूरा सही से तो नहीं, लेकिन एक महाभारत में एक कथा है धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कि वो दानवीर भी थे, रोजाना ब्राह्मणों को दान करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वो करते करते और ब्राह्मणों की लाइन वो लंबी और दिन भी सूर्यास्त भी होने को आया, तो उन्होंने कहा कि वो बोले अब सूर्यास्त हो गया अब आप कल आएंगे। तो भीम ने नगाड़े बजा दिए, बोले ये तो समय जीत हो गए तुम्हारे धर्मराज के, अभी तक तो धर्मराज युधिष्ठिर समय जीत हो गए, अब ये समय जीत है। अब वो बड़े चक्कर में तुमने समय जीत लिया, इन्हें कल बुलाया है तो वो पता तुम कल 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 तक रहो कल तक रहो। हाँ तो समय को कभी भी, समय एक ऐसी वो है कि उसको कभी आप विपरीत गति पीछे ले नहीं जाते, इसलिए ये सारी उन सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद उसको नकारात्मक ढंग से लेना, जहाँ तक अनुभूतियों से और ज्ञान का सवाल है तो आप देखिए शुरू में जहाँ तक है जहाँ तक दृश्य और शब्द का है तो वो थिएटर, थिएटर के बाद सिनेमा, वो जो हुआ उसके बाद फिर आपके नहीं उसके पहले रामलीलाएं मतलब लोक संगीत और लोक नाट वो सारा कुछ, और फिर किताबें जब आप कह रहे थे तो मुझे वो अनुभूति और उसके और याद पे जहाँ तक लेखक का और कवि का बिंब का सवाल है तो कैसे नहीं पहुँचता दृष्ट तन आयु लग्न नहीं, वो तो क्या है कि तेरी आवाज के साए कला के माध्यम से तेरे होठों के से जो आभास कराया जाएगा ना, नहीं मैं वो बिल्कुल अलग है अलग नहीं, मैं इसमें एक बात ये अर्ज करना चाहता था कि अफलातून जो एक दार्शनिक गुजरा है वो चिंतन है, गंभीर है, शोध परक है, लेकिन एक जो असली बात है वही ये भी ठीक है कि ये दिखता है कि ये पूरे तरीके से बाजार का वो जो प्रतिक्रियावादी पूंजी है उसका हमला है, उसका हमला है, और हम जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में भी जो गतिविधियां और वो देख रहे हैं उनके पीछे उद्देश्य भी ये ही है। वो जो आपने किस नायिका की बात कर रहे थे कि वो उसमें भेज दिया जाए इन्हें अतल नरक में, तो ये अतल नरक में भेजने का ही है आम आदमी को, तो ये वही लिप्सा है, हवस है उस सब कुछ पे कब्जा कर लेने की और उसके लिए ये काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो मानवीय संवेदनाएं है वो जो है मसला ठाकुर साहब वही है, चिंता का विषय केवल वही है कि उन संवेदनाओं का विकल्प आप जो है ना इनको आभास से नहीं, आभास से नहीं, आभास से नहीं हो सकता। आप मनुष्य वो तो यथार्थ ही है, वो तो निदान है ना कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर, वो तो यथार्थ है, क्या है किताबों को हटा कर देखो तो वो है? रास्ता तो जो मुख्य विकल्प है वो तो वही है, वही है, यानी मनुष्य लेकिन मनुष्यता का कोई विकल्प नहीं है, नहीं मनुष्यता का कोई विकल्प है नहीं, हो ही नहीं, आप मनुष्य का विकल्प बना लीजिए चाहे, लेकिन उसी में अब वो जो वर्तमान समय के साथ जो साधन है हमारे पास उसमें ये ठीक है कि वो यथार्थ में सारे प्रयोग और व्यवहार और संपर्क और वो होने चाहिए समाज सुधार के और राजनीतिक सुधार के किसी भी तरीके के शिक्षा के सुधार के, लेकिन इनमें भी कुछ सीमा तक ये तो ठीक है कि बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन इसमें 100, 200, 1000, 500 जैसे जो जो समान विचार वाले और वो उससे जैसा हम तो उस पर एक्टिव हैं हम ये देखते, तो ऐसा नहीं है, वो वैचारिक आदान प्रदान तो होता है, अपनी बात भी कह ली जाती है, और बात कहने के लिए कोई दृश्य भी जरूरी नहीं है, जो शब्द इम्पोर्टेंट बात है कि संवेदना नहीं है ना, हाँ
संवेदना हटी हुई है। आप चित्र से करें, भाषा से करें, कोई फर्क नहीं करें, लेकिन संवेदना नहीं है ना, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं, सभी संवेदनहीन नहीं है जो इससे जुड़े हुए हैं, तो कुछ जो संवेदनशील हैं उन्हीं को उस पर तलाश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठाकुर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तकनीक विकसित की जा रही है इसके जो खतरे हैं, परिणाम वो तो खतरे दिख रहे हैं, मूल बात वहाँ पर है। वो तो बिल्कुल, मैं जरा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, ये जितनी पूरी बात है निश्चित रूप से, लेकिन एक सवाल ये आता है कि जिसे हम यथार्थ कह रहे हैं या प्राकृतिक अनुभूति कह रहे हैं, भाई साहब उस प्राकृतिक अनुभूति को बदला जा रहा है। उदाहरण आप ही के लेख में मौजूद है, एक बच्चा पैदा हुआ, उसे आपने निपल से दूध पिलाया, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि माँ के स्तन का स्पर्श क्या होता है, तो वो यथार्थ उस तक पहुंचा ही नहीं। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, तो वो तो अनजान है। नहीं, अनजान है ना, उसके अनजानेपन का हम फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो जो है ना, अब उसे नहीं मालूम कि माँ के स्तन का स्पर्श क्या था, या उससे मिलने वाली अनुभूति क्या थी, या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन क्या था, उसे नहीं मालूम, उसके व्यक्तित्व में ये कमी रहेगी। हाँ, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, तो मैं जो जिस पॉइंट पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिसे हम प्राकृतिक और वास्तविक अनुभूति कहते हैं, वो उस समय सार्थक है जब वो हम तक पहुंचे, हम तक पहुंच ही नहीं रही है तो हम उसको जान ही नहीं रहे। तो वो जनरेशन जिसने निपल से दूध पिया है, वो अपने अगले बच्चे को और नई तकनीक से उसे पालेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि माँ की अनुभूति क्या होती है। तो जो प्राकृतिक अनुभूतियां हैं उनसे जो दूरी है, ये एक गुणा एक में नहीं बन रही है, एक गुणा हजार गुणा लाख में इतनी तेजी से आप भूलते जा रहे हैं प्राकृतिक यथार्थ को, कि वो आभासीय यथार्थ ही उसके लिए यथार्थ बनता जा रहा है। चैलेंज ये है, मेरी चिंता यही है, ये बार बार यही कह रहा हूँ कि उसको आप जो है विस्थापित करना चाहते, आप उसको उसको हटा देना चाहते, आप ये बता रहे हैं कि ये आभासी ही यथार्थ है, यही यथार्थ है, ये आभासी यथार्थ है, लेकिन नकली ही असली है। लेकिन वो समय सापेक्ष है, वो जो वो वजह क्या है, वो जो बाजार है उसके लिए, वो जो बच्चा है वो भी तो उपभोक्ता है, वो सिर्फ निपल और बॉटल बेचने तक ही नहीं, उसको आगे अपना बाजार को कायम रखने के लिए उसको जीवित रखना उन परिस्थितियों में, तो वो उस जरूरत बन जाती है। नहीं, अब वो जैसे कला ही विकल्प क्या हो उस दिशा में हम काम करेंगे। जैसे कला के बारे में अभी अफलातून और प्लेटो का मैंने जिक्र किया, वो ये कहता है कि एक दुनिया है, उसकी नकल ये दुनिया है, और कला में जो है आप असली की तो आपने देखी नहीं, तो नकल की नकल आप कला में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वन टाइम नहीं, टू टाइम्स दूर है कला यथार्थ से। अच्छा, और कला जो है, अब आपने जो इसमें डिफाइन किया वो ये था कि कला जो है वो संवेदनशीलता के साथ होती है, आभास तो है वहां, लेकिन जितनी कलाएं हैं वो उस आभास को संवेदना से, उसके आभास संवेदनाएं पैदा करती, संवेदना पैदा करती है, और उस आभास की वाहक संवेदनाएं होती है, और ये जो आभास है इसलिए खतरनाक नहीं पता नहीं करते नहीं, अधिकांश ऐसा नहीं है, जो संवेदनाओं का जो आदान प्रदान है, उसका जो प्रकार है, उसमें भी इसका उपयोग जारी है, क्योंकि ये वर्तमान संसाधन है, वर्तमान समय की। अच्छा ठाकुर साहब, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से किसी एक व्यक्ति के एक्सीडेंट के द्वारा मर जाने का दृश्य दिखाया गया, उस दृश्य को देखते हुए आपको किस तरह की संवेदनाएं, क्या संवेदनाएं पैदा होंगी या सूचनाएं मिलेंगी? वो तो व्यक्ति पे, इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि अगर वो संवेदनशील है। नहीं, वो ग्राफिक्स, मैं जो बात कर रहा हूँ
जो मुझे ग्राफिक है उसके द्वारा क्या संप्रेषित हो रहा है, उस ग्राफिक के द्वारा क्या संप्रेषित, वो तो खाली सूचना है। ये वो क्या है कि वो जो है ना आभास तो आपको करा रहा है, संवेदना को नहीं छू रहा है, वो संवेदना को नहीं, क्योंकि वो सूचना है, वो सूचना है आपकी, वो आपको केवल ये बता रहा है कि ये एक्सीडेंट इस तरह से हुआ।